सिर्फ 100 रुपए के लिए एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सामने आया है गांव मंडावली सेदू में, जहां पर किराए पर लिए गए ट्रैक्टर के 100 रुपए न देने पर एक पड़ोसी ने दूसरे पर हमला कर दिया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जुमे के दिन जैसे ही वहां के रहने वाले सगीर उर्फ छंगा अपने घर आए, पीछे पीछे कयूम भी आ गया। बताया जा रहा है कि कयूम ने अपने ट्रैक्टर से छंगा के खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर 500 रुपए में दिया था, जिसमें से छंगा ने 400 रुपए दे दिए थे, 100 रुपए बाकी थे। इसी को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि कयूम के घर वालों ने मिलकर छंगा के सिर पर कोई चीज़ मार दी। छंगा को बचाने आई उसकी पत्नी पर भी हमला किया गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने छंगा को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां छंगा की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दुआ लगा रहा कि हमें इंसाफ मिले, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। पुलिस भी लेगी हमें, एक आ रहे भाई प्रधान जी और हमारे गांव हमारे साथ। मंसूर अहमद, ग्राम प्रधान मुलावली शादी। यहाँ जुमे के दिन लगभग 2:30 बजे आपस में यहाँ विवाद हो गया था। सगीर सनाव घसीटा और उनकी पत्नी और उनकी लड़की को चोट आई, उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ से डॉक्टरों ने उनको रेफर कर दिया गया। सुबह लगभग 4 बजे उनकी मेरठ हॉस्पिटल में डेथ हो गई। सगीर सनाव घसीटा उनकी पत्नी वो उनकी लड़की बिंदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जेरे इलाज। क्या मामला है भाई? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है, ग्राम मंडावली सैदू का रहने वाला हूँ। जुमे के दिन हम अपने मकान पे काम कर रहे थे और मेरे अब्बा जी जुमा पड़ गया है। हम काम कर रहे थे, एक आदमी हिसाब करने अपने खेत का, वो हिसाब कर रहा था। उसका हिसाब होने के बाद हमने जो उससे कहा, उसने वो निकल गया जो मारने वाला था, मेरे अब्बा जी को मारा उसने। और एक उसका लड़का किसने मारा? सगीर अहमद बल सब्बीर अहमद, उनके बेटा फरमान बल सगीर अहमद। फिर उन्होंने हमारे बाप को इंटा फेंक के मारा, पूरा इंटा पत्थरों करा। हमने अपने बाप को, हम अंदर थे, भैंस को चारा डालने गए, हम जो भाग गए तो हमारे पापा नीचे पड़े थे। हम एकदम भाग गए, हमने अपने पापा को उठाया, हम ठाके इधर ले गए तो हमारी मम्मी और बहन बाहर निकल गए उन्हें देखने के लिए। तो उन्होंने फिर ऊपर चढ़ के उनके लड़के ने पथराव करा, जो हमारी बहन के यहाँ सर में चोट आई हुई, 18 टांग के आए, 2 इंची टूटा हुआ है। और हमारी मम्मी पे लड़ बजा, उनका कोदा टूटा हुआ। तो हम ये गुहार करते हैं कि इंसाफ मिले, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही। पुलिस ने एप्लीकेशन दी है मगर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा। अब इंतकाल किनका हुआ? इंतकाल हमारे पापा जी सगीर अहमद का हुआ है। मेरठ एडमिट थे वो मेडिकल कॉलेज में, उपचार के दौरान उनकी मौत हुई। जिन महिलाओं ने तुम्हारी बहन को मारा, उनका क्या नाम था दोनों का? एक शमशीदा, अरे एक उनकी लड़की थी। सब कितने लोग थे मारने वाले? 5 बंदे। 5 लोग थे जी। क्या क्या नाम था उनका? सगीर अहमद, फरमान, शमशीदा, सैरुमा और सब मुस्कान।